हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए फिर से आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल में आप सभी का वेलकम है। तो जैसा कि हमारा जो प्रैक्टिस जो क्लासेस चल रही है प्रैक्टिस क्वेश्चन का, ये सब कुछ चलता ही रहेगा। तो चलिए मैं आज आपके लिए एक नया चैप्टर स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस लेके आया हूँ। जैसा कि आप लोग थंबनेल देखे होंगे, वहां से आपका बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय दूरी और चाल। आज का जो हमारा चैप्टर है वो स्पीड समय स्पीड यानी चाल, ठीक है, टाइम समय और डिस्टेंस क्या कहते हैं दूरी। तो हम बहुत बचपन से ही इस चैप्टर को पढ़ते आ रहे हैं स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस को। तो आज हम इस पहली क्लासों के बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक हम चढ़ेंगे। कई ऐसे क्लासेस होगी यानी कई घंटों का क्लास होगा, ये एक दो क्लास की बात नहीं है। तो बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम अपने क्लास की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस ये चैप्टर थोड़ा सा जटिल इसलिए होता है क्योंकि इसमें तीन डाटा होता है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का, और तीनों को एक साथ कंबाइन करके क्वेश्चन बनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व करने बच्चों के लिए थोड़ा सा कठिन होता है क्योंकि वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो आइए धीरे धीरे हम बिल्कुल बेसिक से अपने क्लास को लेकर के चलेंगे। तो उसके बाद फिर क्वेश्चन भी देखेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ अपने कॉन्सेप्ट को भी आगे की तरफ लेकर के चलेंगे। तो हम कुछ इसके बेसिक जो एक रिलेशन है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि स्पीड टाइम और डिस्टेंस यानी स्पीड एस से हम जोड़ करेंगे चाल को, टाइम को टी से लिखेंगे और डिस्टेंस को डी से लिखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि दूरी बराबर होता है समय गुना चाल। ठीक है, यानी डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। ये रिलेशन होता है कि दूरी बराबर समय इनटू चाल। ठीक है, ये रिलेशन हमको पता है। तो कोई यहां से पूछ सकता है कि एस बराबर क्या होगा, एस स्पीड बराबर क्या होगा। तो ये हो जाएगा डी अपॉन में टी, यानी चाल बराबर होगा दूरी बटा समय। या यहीं से कोई पूछ सकता है कि t बराबर क्या होगा, तो t इक्वल टू d अपॉन में क्या होगा s, यानी हम जब टाइम निकालना है तो दूरी में समय से क्या करेंगे भाग देंगे। यानी अगर आपको स्पीड निकालना है यानी चाल निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो दूरी रहेगा और उस दूरी को तय करने में जितना समय लगा रहेगा उस समय से भाग कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, स्पीड निकल जाएगा। और अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालना है और मुझे स्पीड दिया है और टाइम दिया है तो हम दूरी निकाल लेंगे। यानी इस इन तीन चीजों में से स्पीड टाइम और डिस्टेंस यानी समय दूरी और चाल में से अगर मुझे कोई भी दो डाटा गिवन है तो हम तीसरी डाटा बिल्कुल इजीली हम इसे फाइंड कर सकते हैं। तो अब आगे देखिए, अगर हम इसको हो सकता है कि अगर डिस्टेंस जैसे कि हमने अगर लिखा कि दूरी अगर चाल की बात करें स्पीड, तो स्पीड इक्वल टू होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस अपॉन में टाइम थोड़ा सा इस वजह से लिखते हैं हम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड बराबर होता है दूरी बटा समय। अब स्पीड क्या होता है, तो स्पीड होता है प्रत्येक यानी यूनिट समय में चली गई दूरी, यानी या तो प्रति घंटा में चली गई दूरी। यानी एक घंटा में कोई व्यक्ति अगर 20 किलोमीटर चलता है तो इसका मतलब उस व्यक्ति का चाल हुआ 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर कोई व्यक्ति एक सेकंड में 10 किलोमीटर चलता है या 10 मीटर चलता है, अगर कोई व्यक्ति एक सेकंड में 10 मीटर चलता है इसका मतलब उस व्यक्ति का चाल हुआ 10 मीटर प्रति सेकंड। तो अब हम या दो डाटा आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन में, या तो को किलोमीटर प्रति घंटा यानी चाल, अगर जनरली आपको या तो अगर लंबी दूरी तय करना हो तो हम चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में मापते हैं, या एक छोटी दूरी को मापना हो तो हम मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं। तो जनरली अब ये कैसे होता है, हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में, या कैसे हम मीटर प्रति सेकंड को जाएंगे किलोमीटर प्रति घंटा में, तो उसको समझते हैं। तो स्पीड जैसे कि स्पीड मान लीजिए कोई आदमी है ये 6 घंटा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, 6 घंटा में 36 किलोमीटर की दूरी, सॉरी 36 किलोमीटर की दूरी तय की, 6 घंटा में 36 किलोमीटर की दूरी तय की, तो 1 घंटा में कितनी दूरी तय करेगी, 36/6 यानी 6 से कैंसिल हो गया ये 6, ये किलोमीटर पर आवर यही उसकी स्पीड हुई। यानी अगर कोई व्यक्ति यानी सीधा हम कह सकते हैं कि यूनिट टाइम में चली गई दूरी ही क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। ठीक है, अब हम ये समझो कि दूरी क्या होता है,
दूरी क्या होता है? तो दूरी क्या होता है? दूरी यानी जिस जो हमारा चाल है, चाल तो जो चाल जिस चाल से किसी दिए हुए समय में तो जो हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही हमारा क्या होता है, चली गई दूरी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बिल्कुल बिल्कुल बेसिक लेवल का कॉन्सेप्ट है, ये सब आप समझते होंगे। अब हम थोड़ा सा इसको देखते हैं कि हो सकता है जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में रहेगा और जो टाइम है वो आवर में रहेगा। तो यहां पर जो हमारा स्पीड की यूनिट आएगी वह किलोमीटर प्रति आवर आएगी। हो सकता है स्पीड अगर इक्वल टू डी बाई टी होता है, अगर ये मीटर में रहे और टाइम सेकंड में रहे तो जो हमारा स्पीड की जो यूनिट आप लिखेंगे हम लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड, इसको हम पढ़ेंगे किलोमीटर प्रति घंटा और इसको कहेंगे मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब आइए और समझते हैं। अब हम जरा इसको समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं। यानी अगर कहीं भी किलोमीटर प्रति सेकंड या सॉरी किलोमीटर प्रति आवर दे रखा है, किलोमीटर प्रति आवर यानी एक घंटा में कितना जाता है, एक किलोमीटर। अगर कोई एक किलोमीटर जाता है एक घंटा में, ठीक है, एक घंटा में एक किलोमीटर गया, तो मैं इसे चेंज करना चाहता हूं किसको, मीटर प्रति सेकंड में। तो इसको कैसे चेंज करेंगे हम मीटर प्रति सेकंड, बहुत सारा क्वेश्चन यूज होगा ये फॉर्मूला, तो इसे समझिए। यानी किलोमीटर को हम क्या करते हैं, मीटर बना देते हैं, तो एक किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर। ठीक है, और घंटा को हमें कितना मिनट होता है, तो इसका मतलब होता है ये 60 मिनट होता है। जब इसे हम कैंसिल करते हैं तो जब सॉरी मीटर प्रति सेकंड चेंज करना है तो ये हुआ 60 मिनट, और 60 मिनट और एक मिनट में होता है, एक मिनट में होता है 60 सेकंड। तो 60 मिनट में कितना होगा, 60 × 60 होगा कि नहीं होगा, एक मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मिनट में 60 × 60 यानी 3600 सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है। तो एक हमको चेंज किसमें करना है, मीटर प्रति सेकंड में। तो किलोमीटर को हमने मीटर में बदल लिया और घंटा को हम सेकंड में बदलते हैं। तो पहले तो घंटा को किया तो 60 मिनट हो गया, और इसको फिर से हम सेकंड में ले जाना चाहते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये कितना सेकंड हो गया, 3600 सेकंड। यानी इसको हम हटा करके डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 3600 सेकंड, यानी एक घंटा में 3600 सेकंड और एक किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। जब इसे हम कैंसिल करेंगे तो 2 0 से 2 0 और ये हो गया 5 कटेगा, 5 × 10 = 18 × 36 यानी हमारा आ गया 5/18। यानी सीधा हमारा ये मीटर प्रति सेकंड, ये हमारा 5 × 18 मीटर प्रति सेकंड। यानी यहां से हमारा एक यहां से एक फॉर्मूला के तौर पे हमारा एक कॉन्सेप्ट निकल के आया कि अगर मुझे किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, अगर मुझे 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 72 को 5/18 से कर देंगे मल्टीप्लाई। जैसे ही हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 × 72, 5 × 20, अब ये किलोमीटर प्रति आवर नहीं रहेगा, ये मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा। क्लियर है, अब ये मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा। और ऐसे हम देखते हैं, अगर कहीं भी 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर मुझे इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 36 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 × 36 होता है, ये हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड है। क्लियर, समझ में आ रहा है। और हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, अगर मुझे कहीं भी 90 किलोमीटर प्रति आवर दे रखा है और मुझे इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो 90 को 5/18 से करेंगे, 18 × 5 = 90। सॉरी, इसको देखिए, 90 × 18 = 90, क्या हो गया हमारा 25 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको। यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मुझे चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में तो 90 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 25 मीटर प्रति सेकंड आए। तो इस तरीके से उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के बाद आपको एक फॉर्मूला के तौर पे याद रखना है कि अगर मुझे किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति घंटा को किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मुझे किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में तो हम क्या करेंगे, 5/18 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और जस्ट इसका रिवर्स होता है, जस्ट इसका क्या होता है, रिवर्स होता है। अगर मुझे
आज के बाद आपको याद रखना है इसको इस तरीके से लिखते हैं ताकि समझ में आए। और किलोमीटर प्रति घंटा से अगर मुझे मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो 5/18 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है? और अगर मुझे मीटर प्रति सेकंड से अगर मुझे इस तरीके से लिखते हैं, अगर मुझे मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में आना है, इधर से इस तरफ आना है, तो हम 18/5 से करेंगे। कैसे, देखिए अभी हम प्रूव कर सकते हैं कि 18, अगर हम 18 को चेंज किए थे, 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाए थे, तो हमारा क्या आया था, 20 मीटर प्रति सेकंड। और अगर मैं 20 मीटर प्रति सेकंड को मैं चेंज करना चाहता हूं किलोमीटर प्रति आवर में, तो 20 को 18/5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही करेंगे तो 5 चौका 20, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। तो इस तरीके से एक दूसरे का रिवर्स होता है। अगर मुझे किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर मुझे मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में आना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। रिवर्स हो जाता है, जस्ट रिवर्स। हम एक बार देख लेते हैं। अगर मुझे 30 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो हमें 30 × 18/5 करना पड़ेगा, यानी 5 × 6 = 30 होता है, 18 × 6 क्या होता है, 108, यानी 108 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, इसे आप याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आता है या नहीं आएगा तो इस फॉर्मूले का यूज हम क्वेश्चन में बिल्कुल करेंगे। फिर और बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसका हम डिस्कस, जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा वैसे वैसे हम क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट को सीखते जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट सारा कॉन्सेप्ट पढ़ाने में स्टूडेंट्स बोर होने लगते हैं, तो क्वेश्चन के साथ साथ पढ़ना ज्यादा बेहतर होता है। तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक क्वेश्चन हम आपके सामने रखते हैं, आप उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन, ये सीजीएल 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, एसएससी सीजीएल 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन देख सकते हैं, वहां से क्वेश्चन को समझिए क्या कहता है। एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा, यानी हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखेंगे। तो एक चाल की जो स्पीड है वह 180 किलोमीटर प्रति घंटा, ये गिवन है, और हमसे पूछा क्या है, मीटर प्रति सेकंड में। ये क्वेश्चन सीजीएल 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी एसएससी सीजीएल द्वारा बहुत पुराने ट्रेंड में क्वेश्चन आता था, उस टाइम इस टाइप के क्वेश्चन आते थे, इतने हल्का क्वेश्चन जो भी स्टूडेंट्स आराम से सॉल्व करता है, इतना इजी क्वेश्चन आता था, लेकिन अब थोड़ा सा ट्रेंड बदल चुका है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल आता है, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन है, तो मुझे बिल्कुल आज हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हर चीज को सीखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस क्वेश्चन का यूज हमें क्वेश्चन में आगे करना है। तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा को हमें चेंज करना है किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। ऑप्शन हमारे पास आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फर्स्ट ऑप्शन है 5, सेकंड ऑप्शन 40, थर्ड 30 और डी है नंबर ऑप्शन है 50। तो 180 को अगर मुझे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो हमने अभी सिखाया था क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 × 10 क्या होता है 180, यानी ये हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है, इस तरीके से, सॉरी 10 मीटर प्रति सेकंड नहीं, 10 × 50 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, 50 मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसी पे बेस्ट, इसी फॉर्मूला पे बेस्ट आज हम 2-4-10 क्वेश्चन करते हैं, फिर अगले कॉन्सेप्ट में चलेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, लेकिन ये अलग बात है कि बहुत पहले आया हुआ है, तो हमें बेसिक क्वेश्चन आज जीरो लेवल का कर रहे हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा एक कार 5 घंटे में 125 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो कार की चाल क्या है। कोई कार है जो 5 घंटे में 125 किलोमीटर की दूरी तय करती है,
पांच घंटे में कितनी तय करती है 125 किलोमीटर की दूरी। तो कार की हमें क्या बताना है, चाल बताना है। तो चाल बराबर क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। तो चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। ऑप्शन आप क्वेश्चन का देख सकते हैं, ऑप्शन है तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आए, देखिए कैसे होगा। तो आप 125 किलोमीटर हमारा क्या है, डिस्टेंस है, और समय कितना लगा है, पांच घंटा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, इसे कैंसिल करेंगे तो 25 × 125 यानी 25 किलोमीटर प्रति आवर इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर ए है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब जरा हो सकता था कि आपसे इस क्वेश्चन का आंसर मीटर प्रति सेकंड में पूछ सकता था, तो खैर अभी हमें जो क्वेश्चन है उसमें मीटर प्रति सेकंड में नहीं पूछा, किलोमीटर प्रति आवर पूछा है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सफिशियंट है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को जरा समझते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप वहां से क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखाता है कि एक आदमी एक 250 मीटर चौड़ी सड़क को 75 सेकंड में पार करता है तो चाल किलोमीटर प्रति आवर में क्या होगा। यानी एक मीटर चौड़ी सड़क है, 250 मीटर चौड़ी सड़क है, ठीक है, और उसको पार करने में कितना समय लगता है, 75 सेकंड लगता है। तो 250 मीटर चौड़ी सड़क को पार करने में 75 सेकंड लगता है, तो ये तो 75 सेकंड है, ठीक है। तो ये जो हमारा टाइम होगा, क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है 75 सेकंड, तो ये मीटर में है, ऊपर ये मीटर में है और ये किसमें है, सेकंड में, तो ये मीटर सेकंड में आंसर प्राप्त होगा। अगर हम इसे किलोमीटर प्रति आवर में, और ऑप्शन हमारा जो दे रखा है वह किलोमीटर प्रति आवर में दिया है, और किलोमीटर प्रति आवर में आंसर निकालना है, तो हम पहले से क्या 18/5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी हमें सीखा था कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में बदलना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर देते हैं हम। 5 से कितना आ जाएगा, 50, ठीक है, ये जाएगा 25 × 75, 25 × 100, 3 × 6 = 18, यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा इसका क्या होगा, चाल होगा। उस व्यक्ति का जो स्पीड है वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कहता है एक धावक, बहुत आसान क्वेश्चन है कि एक धावक 24 सेकंड में 200 मीटर दौड़ता है। यानी कोई धावक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कहता है कि एक धावक है जो 24 सेकंड में, ये 24 सेकंड टाइम दे रखा है, ठीक है, और क्या कहता है, 200 मीटर दौड़ता है, 200 मीटर दौड़ता है, यानी डिस्टेंस कितना दौड़ता है, 200 मीटर दौड़ता है, ठीक है। तो कहता है उसका चाल किलोमीटर प्रति आवर मुझे बताइए, स्पीड, स्पीड इक्वल टू होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर, ठीक है, और समय कितना है, 24 सेकंड। तो ये मीटर प्रति सेकंड में आने वाला है, और हमसे किलोमीटर प्रति आवर में पूछा है, तो इसे हम क्या करेंगे, 18/5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इसे कैंसिल करते हैं, तो हम 6 × 24 और 6 × 3 = 18, 4 से काटेंगे 50 बार और 5 से काटेंगे 10 बार, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, जो कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्लियर, ऑप्शन नंबर डी। ये भी क्वेश्चन सीजीएल 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2012 का क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन सब आया था, पेपर में आते हैं और इस कॉन्सेप्ट का यूज हमारे क्वेश्चन में करते रहते हैं और करेंगे भी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन के आज हम प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे क्वेश्चन पे भी चलेंगे, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है, इसलिए हम कुछ प्रैक्टिस हमारा होना जरूरी है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 होगा, कहता है कि एक कार, क्वेश्चन नंबर 5, एक कार एक सेकंड में 10 मीटर जाती है, एक कार एक सेकंड में 10 मीटर जाती है, तो इसका चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। यानी कार जो है वह एक सेकंड में कितना चल लेती है, 10 मीटर चल लेती है, 10 मीटर एक सेकंड में, तो एक सेकंड में 10 मीटर चल लेती है, तो
तो हमें क्या करना है, इसके चार बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में। ये भी सीरियल 2002 का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं सीरियल 2002 का क्वेश्चन है। तो 10 मीटर एक सेकंड में, तो ये मीटर प्रति सेकंड आ गया, और इसे हमें करना क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो 18 बटा 5 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 × 10 यानी 18 × 36 किलोमीटर प्रति घंटा इसका क्या होगा, चार्ज होगा। देख सकते हैं ऑप्शन, आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक आदमी, क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखेंगे वहां से समझेंगे, एक आदमी 5 किलोमीटर की चाल से एक पुल को 15 मिनट में पार कर लेता है। एक व्यक्ति है जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पुल को वह 15 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई क्या है। यानी हमें स्पीड दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 हमें स्पीड दे रखा है, और स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और समय दे रखा है 15 मिनट, सॉरी टाइम दे रखा है 15 मिनट, 15 मिनट हमारा टाइम है। ठीक है, अब क्वेश्चन का जो आंसर है वह हमें मीटर में देना है, क्वेश्चन में जैसा कहता है कि हमें मीटर में देना है। तो और ये हमारा दे रखा है किलोमीटर में, किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम दे रखा है हमारा मिनट में। तो अब हम अगर इसको हम घंटा बनाते हैं, टाइम को घंटा बनाते हैं, क्योंकि टाइम सेम होना चाहिए गुणा करने के लिए, अगर मैं डिस्टेंस निकाल रहा है, क्योंकि कोई व्यक्ति पुल की लंबाई पार करेगा, एक पुल है, पुल लंबा होगा, मान के चलो कि एक पुल है और पुल को, इस पुल को पार करना है कोई व्यक्ति, तो मतलब यहां से चलना शुरू करेगा व्यक्ति, ऐसे चलते 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 यहां तक आ गए, यानी पुल की लंबाई ही उसके द्वारा चली गई क्या होगी, दूरी, यानी वह जितना दूरी चलेगा वही पुल की क्या होगी, लंबाई होगी। तो देखा जाए तो मैंने, मुझे क्या निकालना है, मुझे डिस्टेंस निकालना है, वही डिस्टेंस क्या होगा, पुल की लंबाई होगा। तो ये डिस्टेंस यानी इतना सेकंड में या कितना दूरी चला, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता क्या है, डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड हमारा है कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, और ये मिनट में है, तो ये घंटा, तो इसको घंटा बनाओ या उसको मिनट प्रति सेकंड बनाओ, प्रति मिनट बनाओ। तो सब यह समस्या है कि हमारा आंसर जो है सो मिनट में पूछा है, मिनट सॉरी मीटर में, तो घंटा में बनाना है, तो हमें ये थोड़ा सा हमारे लिए टफ काम होगा, क्यों ना हम इसी को चेंज कर ले मीटर प्रति मिनट में। तो जब इसको मीटर प्रति मिनट में चेंज करेंगे तो 5 किलोमीटर जाता है वह 1 घंटा में। ठीक है, तो इसको मीटर बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे, और इसको घंटा को हम मिनट बनाएंगे तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 700। तो अब ये आ गया हमारा 60 मिनट, और ये आ गया हमारा मीटर। अब अगर हम कैंसिल करते हैं, ऐसे कैंसिल कर देंगे तो 3 × 2 = 6 और 50 × 2 = 100 यानी 250/3 ये आ गया हमारा मीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट। तो इतना मीटर इतना मिनट में जाता है, यानी 250/3 मीटर प्रति मिनट आ गया, तो यानी 3 मिनट में वह 250 मीटर जा रहा है, तो हमसे कितना मिनट में पूछ रहा है, 15 मिनट में। तो अब हम यहां से चार लिखेंगे, स्पीड हमारा हो गया 250/3 मीटर प्रति मिनट, तो 15 मिनट में कितना दूर जाएगा, तो 3 × 5 = 15 आप यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1250 मिनट, 1250 मीटर मीटर। ठीक है, 1250 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब ऐसे भी देख सकते थे कि 3 मिनट में 250 मीटर जाता है, तो हमको 15 मिनट में पूछा है, 5 गुना हो रहा है, यानी हमारा समय 3 मिनट नहीं, कितना मिनट है, 15 है, कितना गुना है, 5 गुना। तो यहां भी हम क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 1250। तो आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आपके ऊपर है कि आप कितने जल्दी कैलकुलेशन को कर लेते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप वहां से क्वेश्चन को समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक यात्रा को 9 घंटे में पूरा करती है, यानी एक कार है वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, यानी स्पीड दे रखा है, वह उसको 9 घंटे में पूरा करता है, टाइम दिया हुआ है 9 घंटे में पूरा करता है। तो और कहता है, तो उसी चाल को अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चले तो कितना समय लगेगा,
ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं सीजीएल 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, यानी तो यहाँ पर हम डिस्टेंस निकालेंगे पहले, तो ये डिस्टेंस हमारा होगा 40 × 9, क्योंकि डिस्टेंस बराबर क्या होता है समय, जो स्पीड गुना टाइम, और टाइम भी हमारा घंटा में है और स्पीड भी हमारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, सब कुछ ठीक है। तो 40 × 9 ये हमारा क्या हो गया डिस्टेंस। अब इस डिस्टेंस को ये यानी 9 × 36 360 हमारा क्या आ गया डिस्टेंस आ गया 360, तो उसको हम 40 × 9 ही रख देते हैं। अब हमको क्या करना है, उसी दूरी को, इसी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करना है। तो जब 60 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ कैंसिल कर लेंगे, 3 × 6 = 9, 2 × 4 = 4, तो कितना समय लगेगा, तो 6 घंटा लगेगा। कितना समय लगेगा, 6 घंटा, जो कि ऑप्शन देखेंगे तो आप ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर, समझ में आ रहा है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, जरा इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि एक ट्रेन, क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक ट्रेन 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है, यदि इसका चाल 5 किलोमीटर कम हो जाती है तब उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो पहले तो 10 किलोमीटर की दूरी जो है, 10 किलोमीटर की दूरी वह कितना देर में तय करती है, 12 मिनट में, यानी टाइम दे रखा है 12 मिनट में तय करती है, 12 मिनट में, यानी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है। तो पहले तो आपको क्या चाहिए, इसका स्पीड चाहिए, स्पीड चाहिए, और आगे हमको दे रखा है 5 किलोमीटर कम होता है, यानी हमको स्पीड जो बनाना है वह किलोमीटर प्रति घंटा में ही बनाना है, क्योंकि आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि उसकी चाल कितना कम करेंगे, 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ से जो स्पीड आएगा वह हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में ही आना चाहिए, तब हम उसे 5 किलोमीटर प्रति घंटा आराम से घटा पाएंगे। तो इसको हम चेंज करते हैं, तो अब देख रहे हैं कि 12 मिनट में आप वैसे भी चेंज कर सकते हैं, चाहे तो ऑरली भी इसे सॉल्व कर सकते हैं मौखिक रूप से, कि 12 मिनट में 10 किलोमीटर, तो 12 × 5 = 60, यानी 12 × 5 = 60, 60 मिनट में कितना गुना, 5 गुना, 60 मिनट में कितना जाएगा, 5 से आप गुना कर देंगे तो 50 किलोमीटर, यानी इसका स्पीड आ गया भाई 60 मिनट में कितना हो गया 1 घंटा। तो 1 घंटा यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या आ गई, स्पीड आ गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसमें से 5 किलोमीटर उसे क्या करना है, स्पीड कम करना है, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा में से अगर 5 किलोमीटर कम कर देगा तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चाल हो गई 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या कहता है, तो उसी दूरी को चलने में कितना समय लगेगा। तो पहले वाला जो दूरी था वह कितना था, आप उसको देखे थोड़ा सा, पहले वाला दूरी कितना है, तो पहले वाला दूरी कितना है 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर को हमें तय करना है कितना से, 45 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो कितना समय लगेगा। तो डिस्टेंस ये है, ऊपर वाला डिस्टेंस है, नीचे हमारा क्या है स्पीड है, तो टाइम देगा बिल्कुल, क्योंकि टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है, टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और डिस्टेंस कितना है 10 और हमारा स्पीड कितना है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, भाग देंगे इसे तो 2 × 5 = 10, 9 × 5 = 45, यानी 2/9 क्या आ रहा है, घंटा आ रहा है। लेकिन ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन आपका मिनट और सेकंड में दिया हुआ है, तो चेंज करते हैं इसको, 2/9 को घंटा को हम 60 से गुणा कर देंगे तो ये 3 से कटेगा, 3 × 9 और 20 × 60, यानी ये आ गया 40/3 मिनट, 40/3 मिनट। अब 40/3 मिनट हुआ तो इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये फाइनली हमारा 13 × 39, यानी 13 मिनट तो हो गया, और 1/3 मिनट यानी 13 मिनट और 1/3 मिनट का मतलब होता है कितना सेकेंड, 20 सेकेंड, क्योंकि 1/3 में हम इसको सेकेंड में चेंज करना है तो फिर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 20 = 60, 20 सेकेंड। तो इतना ज्यादा हमें सॉल्व नहीं करना था क्योंकि ऑप्शन सब अलग अलग थे, 10 मिनट, 13 मिनट, 20 सेकेंड, 13 मिनट, 11 मिनट, 20 सेकेंड, तो 10, 11 आएगा नहीं, 13 मिनट, 20 सेकेंड और 13 मिनट, क्योंकि 13 मिनट भी नहीं आएगा क्योंकि पूरा कैंसिल हो नहीं रहा था, तो हम इतना निकालना नहीं था। जैसे ही 13 मिनट कुछ सेकंड आएगा तो डायरेक्ट हम ऑप्शन नंबर इसका क्या क्लिक कर देंगे कि ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। पूरा कैलकुलेशन मुझे नहीं करना है, ऑप्शन को देख करके कैलकुलेशन करना है, कि अगर हम देख रहे हैं कि हमारा जब हम उस जगह पे पहुंच रहे हैं तो आप ऐसे ही क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूरा का पूरा कंप्लीट कैलकुलेशन से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है।
तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 तक आपने देख लिया। अब हम आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो आप लोगों को भी देखने में प्रॉब्लम होता है। तो इस तरीके से आज की क्लास उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बने रहिए मेरे साथ, इसी तरह हम कंटिन्यू रखेंगे स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस को और अच्छा से अच्छा क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे, बिल्कुल जीरो से टॉप लेवल तक लेके चलेंगे। आप लोगों को यहीं से जीरो से हीरो बनना है तो इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए और वेट कीजिए, हम नेक्स्ट अगला वीडियो जस्ट लेके आ रहे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, अपने दोस्तों में शेयर कर दे। बाय, टेक केयर।